सब्सक्राइब कीजिए सिस्टर्स टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज आन्या। वेलकम बैक टू सिस्टर्स टीवी। हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी दो ट्राइकलर फूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेसिपी जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है ट्राइकलर फूड डेसर्ट। इसके लिए हमें चाहिए 1 बनाना, 1 मैंडरिन ऑरेंज और 2 कीवीज। फर्स्ट वील पील द बनाना एंड कट इट वर्टिकली इन हाफ लाइक दिस। देन वील कट द कीवी स्लाइसेस एंड पील द ऑरेंज लाइक दिस। Now we'll arrange the kiwi slices over the banana like this and zooming. Let's arrange. Now we'll do the same this side also. Now we'll arrange the orange at the bottom of the banana trees. Our tricolor dessert is ready now, and it is so quick. It is looking so beautiful, yummy and healthy also. तो ये बन गया हमारा first tricolor food. अब हम चलते हैं second पर। उसमें हम बनाएंगे tricolor इडली। तो हमने सारी preparations कर ली है। ये हमने इडली का batter बनाया है। उसको हमने 3 parts में divide कर लिया है। और ये हमने spinach puree बनाई है। और ये हमने carrot puree बनाई है। तो मैं आपको बताती हूँ हमने कैरेट प्यूरी कैसे बनाई। तो हमने पहले कैरेट लिया, उसे वॉश कर लिया, फिर उसे ग्रेट कर लिया और फिर उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर लेमन डालूंगी, हाफ लेमन। कलर अच्छा करने के लिए हम इसके अंदर हाफ स्पून टर्मरिक डालेंगे। स्पिनच प्यूरी बनाने के लिए हमने पहले स्पिनच को अच्छे से वॉश कर लिया और फिर उसको ग्राइंड कर लिया मिक्सर में, तो हमारी बन गई स्पिनच प्यूरी। तो अब हम ये इस वाली इडली के बैटर में डालेंगे और ये वाले इस वाली इडली में बैटर में डालेंगे। रेडी हो गया हमारा ऑरेंज कलर बैटर, आप देख ही सकते हैं। और ये हमारा व्हाइट कलर बैटर और ये हमारा ग्रीन कलर बैटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पॉट लिया है और उसके अंदर मैंने वाटर फिल किया है। फिर उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रख दिया है पॉट के ऊपर और मैं ये जाली रख रही हूँ इसके ऊपर। अब मैं इसको बॉइल होने दूंगी। ऑन
अब मैंने दो बोल्स लिए, उसके अंदर उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं 2 स्पून ग्रीन बैटर की डालूंगी। बहुत ही पतली लेयर बनी थी तो मैंने यहाँ पे 4 स्पून डाल दी है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए डालूंगी इसके अंदर। और इन्हें हम 1 मिनट तक इधर ही रहने देंगे। तो हल्की सी ये इडली पक चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे व्हाइट बैटर का 3 स्पून। अब ये देखिए काफी हद तक पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरेंज लेयर, तो मैं डाल रही हूँ। तो अपने इसके ऊपर ऑरेंज लेयर भी डाल दी है इडली की, देख सकते हैं। अब हम इसको 8 to 10 minutes तक पकने देंगे। हम चेक करते हैं कि इडली पक चुकी है नहीं। तो इडली पक चुकी है क्योंकि चिपक नहीं रही है। अब हमने इडली निकाल लिया। अब हमको इसको ठंडा होने का वेट करना है। डिलीशियस हेल्दी और ट्राई कलर इडली हो गई है रेडी। तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।